आगे तक जाना था, थोड़ा छोड़ देना बैठ जाएगी। तो आप मैं पीछे कैसे आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? क्यों मान लीजिए कोई डेंजर होगा आपसे तो छोड़ दीजिए ना वहाँ। नहीं आपको या तो चलाना होगा तो फिर दोनों पैर आप एक साथ करके बैठे, दोनों पैर लेडीज की तरफ बैठे, हाँ ऐसे बैठे। अगर आपसे कोई लिफ्ट मांगता है तो कभी भी उसको इस तरीके से, अगर आप अनजान हैं, अनजान जगह जा रहे हैं, कहीं जंगल वाली जगह में जा रहे हैं, इस तरीके से बैठने मत दीजिए। वो सीधे आपको अटैक कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, स्कूटी लेकर गिर पड़ेंगे या बाइक लेकर गिर पड़ेंगे और आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा और आपकी जान भी ले सकता है। एक वीडियो में ऐसा हुआ था, एक बंदे साथ उसका गर्दन पकड़ के दबा दिया गया था, उसकी मौत हो गई थी और उससे सर पे लगातार 10 से 12 बार रॉड से, लोहे की रॉड से अटैक किया गया था जिससे उसकी मौत हुई। उसके पर्स जो भी चीज़ें थी उसके पास बाइक के साथ वो लोग लपेटे और वहाँ से चलते बने। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, अनजान रोड पे आपको ये लिफ्ट इस तरीके से दे देना है। आपके पीठ के पीछे आपका दुश्मन बैठा है, वो कैसा भी अटैक कर सकता है, चाकू निकाले सीधे गर्दन पे मार सकता है। इनकेस आप उसे समझ रहे हैं कि हाँ मजबूर है, लिफ्ट देना चाहते हैं, तो उसे गिफ्ट कीजिए कि आप रन करो इस चीज़ को, आप चलाओ, उसको चलाने के लिए बोलना है क्योंकि आप पीछे सेफ हैं। अब वो बंदा रन कर रहा है तो आप पीछे बैठे हुए हैं, आप जंप करके उतर भी सकते हैं या उसके पीछे से अटैक को अपने बचा भी सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप वो चलाना नहीं जानता है, स्कूटी या बाइक या कोई ऐसी चीज़, अगर वो चलाना नहीं जानता है तो उसको इस तरीके से बिठाना है लेडीज कंडीशन में, दोनों पैर एक साथ। अगर वो ज़्यादा ही दूर करेगा तो उसके भी गिरने का डर रहेगा उसे कि वो भी गिर सकता है, तो इस वजह से आपको लिफ्ट देनी है। तो दोनों पैरों को एक साथ इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पे आपको ड्राइव करना है। अगर वो कह रहा है कि मैं ड्राइव नहीं कर पाता तो इस कंडीशन में इस तरीके से आप सेफ रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए आज कितना प्यारा व्यू है, दुधवा नेशनल पार्क के आसपास हम लोग आए हुए हैं। देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से दुधवा नेशनल पार्क लोग जाते हैं घूमने के लिए। और नदी देखिए कितनी फुलफिल हो रखी है, पूरा भर गया है बाढ़ का पानी वगैरह, काफ़ी दोस्तों आ रखा है। ये सोन नदी है, सोन नदी काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। और ये किनारे किनारे पूरा जंगल व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है, और सावन का महीना है दोस्तों तो गजब का ही व्यू है। मेरे पीछे चंदन और मेरा एक दोस्त खड़ा है और हम लोग पुल के ऊपर खड़े हैं। तो आपको जो ये वीडियो दिखाई गई है सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।